तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारतीय टेक चैनल पर। जैसा कि यूपी पंचायत चुनाव अभी इस समय चर्चा में है, तो बेसिकली हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें खास तौर से ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और आने वाले चुनाव में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो क्या बात है, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था, यानी कि 2015 और 16 में, तो उस चुनाव में आप जान सकते हैं कि कितने कैंडिडेट शामिल थे और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, आपके ग्राम सभा में कुल कितने परसेंट वोट पड़े थे। उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है आपको एक बेहतर रणनीति बनाने में और आपको विनिंग पोजीशन में आने के लिए। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं, या फिर उसका प्रिंटआउट अगर आप चाहें तो उसको भी इजीली प्रिंटआउट कर सकते हैं। और उनको जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, खासतौर से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है वो तरीका, कैसे हम उसको चेक करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले, अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है sec.up.nic.in। तो इस वेबसाइट को आपको इजीली ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये साइट डाली है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर आसानी से पहुँच सकते हैं। और इसमें आपको क्या प्रोसेस यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप वीडियो तो वॉच करते हैं बट काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए। तो साइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सीधा होम पेज पर चले जाना है। जैसा कि होम पेज पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और होम पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होम कमिश्नर डेस्क अर्बन लोकल बॉडी पंचायत। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल रही हैं, इलेक्शंस गैलरी, डाउनलोड, अबाउट, टेंडर, कंटेंट्स इत्यादि। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में आ जाना है। यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन मिल रहा है पंचायत इलेक्शन 2020-21 के लिए, उसके बाद जनरल डिटेल्स, उसके बाद यूएलबी इलेक्शन 2017। यहाँ पर आपको सर्च पे आना है, सर्च लिस्ट यानी कि जो रिजल्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखेंगे तो उसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अब उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर मिलेगा आपका पद का चयन करें, खासतौर से सीएससी वाले या जो भी कंप्यूटर सेंटर ओपन किए हैं उनको यह वीडियो काफी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आसपास के जो भी ग्राम सभा के जो भी उम्मीदवार हैं वो उनसे जरूर संपर्क करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। और जो भी प्रत्याशी हैं वो खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने उनके लिए ही यह वीडियो क्रिएट किया है। तो पद का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको पद सेलेक्ट कर लेना है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए आप चेक करना चाहते हैं, या फिर जिला पंचायत सदस्य हो गया, या अध्यक्ष हो गया, या क्षेत्र पंचायत सदस्य, या ग्राम प्रधान। तो मैं यहाँ पर ग्राम प्रधान के लिए ही चेक करना चाहूंगा। उसके बाद ये ऑप्शन चूज करने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज कर लेता हूँ। आप कोई सा डिस्ट्रिक्ट चूज करके वहां पर इसकी डिटेल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बारा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको विकासखंड चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर विकासखंड चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है। तो ग्राम पंचायत मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको भी मैं पूरा डिटेल
क्लियरली करके दिखाता हूँ। ग्राम पंचायत ये सारा डेटा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब उसके बाद आपको शो पर क्लिक कर देना है। यदि आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग पूरा डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डेटा ओपन हो चुका है इस एरिया का। और इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि विनर लिस्ट क्या थी और कुल कैंडिडेट क्या थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुल कैंडिडेट 13 थे और जो पद था वो अनारक्षित था। और इस एरिया में ये जो ग्राम सभा है इसमें कुल 2280 मतदाता थे, जिसमें से जो कुल मत पड़े थे वो 1516 मत पड़े थे। अब इसमें बात करें प्रतिक्षेपित खारिज रद्द मतों की संख्या, तो वैलिड मत जो थे वो नहीं थे, यानी कि इनवैलिड मत थे 59। और विधि मान्य मतों की कुल संख्या, यानी कि नियम के अनुसार जो कुल मत पड़े थे सही से, वो थे 1457। और कुल मत पड़ा था 66% वोट इसमें पड़ा था। इसमें जीते हुए उम्मीदवार की बात करें तो ये इनका नाम फातिमा था और इनके हस्बैंड का नाम हबीब, आयु 42 वर्ष, महिला थी, शैक्षिक योग्यता इनके पास नहीं थी यानी कि निरक्षर। इनको कुल 368 वोट मिले थे और प्राप्त मतों का वैध मत के सापेक्ष इनको 25% वोट मिला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कुल और कितने कैंडिडेट शामिल थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट आ चुकी है कि कुल कितने कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल थे। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इसमें कुल 13 कैंडिडेट थे और ऊपर भी आपने देखा भी इस लिस्ट को, तो यहाँ पर सबका नाम देख सकते हैं आप कि पूरा डेटा इनका सामने आ चुका है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला था। तो सारी डिटेल आप इजीली इस तरीके से चेक कर सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। और ऐसे ही आप कोई भी डेटा हो आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इस डेटा को चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिना प्रॉब्लम के आप कमेंट के द्वारा आप मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर आपके सामने बताने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, नॉलेजबल लगा है, तब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।